नमस्कार साथियों, आज हम देखते हैं मार्कशीट तैयार करना। एमएस एक्सेल कई तरह से महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं, अधिकांशतः ऑफिसों में प्रयोग किया जाता है और इसकी कई विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं खूबियों के कारण ही वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो एक्सेल हमारे कार्य को बहुत ही गति प्रदान करता है, बहुत आसानी से हम अपने बड़े कार्य को कर सकते हैं। जैसे आज हम देखते हैं मार्कशीट या रिजल्ट तैयार करना। अभी हम मार्कशीट इसको बोल रहे हैं, लेकिन हम इसको मार्कशीट ना कहते हुए हम इसको रिजल्ट कह सकते हैं, क्योंकि मार्कशीट के अंतर्गत पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं और रिजल्ट के अंतर्गत सभी स्टूडेंट के। तो आज हम सभी स्टूडेंट के रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं। तो हम कैसे टोटल करें और परसेंटेज निकाल करके डिवीज़न के साथ में फेल पास उसको करें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हमने यहाँ डेटा शीट बना रखा है जिसमें नेम ऑफ स्टूडेंट है, उसके सब्जेक्ट है, टोटल है, परसेंटेज है, डिवीज़न है। कुछ स्टूडेंट के नाम भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखे हैं। चलिए तो हम यहाँ पर किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स फिल कर लेते हैं। जैसे इसको 45, 54, 61 इस प्रकार के मार्क्स आए हैं। अब हम चाहते हैं कि इसका टोटल हो जाए, तो टोटल के लिए हम यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं, इक्वल सम के साथ में कोष्टक, रेंज सिलेक्ट करेंगे कहाँ से कहाँ तक है, तो हमें करना है C6 to G6, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखिए टोटल यहाँ पर हो चुका। तो फेल पास आसानी से निकाल सकते हैं। हम फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल इफ़, एक छोटा फार्मूला भी यूज़ कर रहे हैं, इफ़ कोष्टक लगाएंगे इसका लॉजिक। तो लॉजिक हम दे रहे हैं I6 बड़ा हो बराबर हो 33 के कॉमा, तो क्या करें, डबल इंटेड कोटेशन चिन्ह के अंतर्गत देना है वो हमें से जो हमें प्रिंट करवाना है, तो स्टूडेंट पास हो, कॉमा लगाएंगे, डबल इंटेड कोटेशन के अंतर्गत फिर लिखेंगे हम अगले कंडीशन हमारी फेल। ये देखिए स्टूडेंट को बता रहा है ये पास, ये स्टूडेंट पास हो चुका है। यदि किसी स्टूडेंट को 30 इस प्रकार के मार्क्स आए हैं और इसका एग्रीगेट हम इसी फॉर्मूला को सबके लिए लागू कर देते हैं, तो यहाँ से कोने को पकड़ेंगे और सीरीज को आगे जनरेट कर देंगे, इसी प्रकार परसेंटेज को भी जनरेट कर देते हैं। ये देखिए 33 है, पास है, लेकिन ऐसी यदि इसको गलती से मार्क्स कम हो जाते हैं, गलती से या फिर आते ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक स्टूडेंट फेल है, ये बाकी के सारे स्टूडेंट फेल है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा हमने फॉर्मूला लगाया, यूज़ किया है, वो है पास और फेल का। लेकिन इसके साथ में हम चाहते हैं कि इसके डिविज़न भी आए और उसके साथ में पास और फेल बताएं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आसानी से रख सकते हैं, लेकिन इस लॉजिक को हमें बढ़ाना पड़ेगा। अभी हमने सिंपल लॉजिक यहाँ पे लगाया था, इफ़ लगा करके उसके साथ में उसकी कंडीशन को बता दिया कि जो वैल्यू है या इक्वल हो तो हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो, अदरवाइज सेकेंडरी कंडीशन हमारी ट्रू हो। तो दो कंडीशन यहाँ पर हमने यूज़ की। अब हम इसको थोड़ा एडवांस पे ले जाते हैं, ये इसको मैं लगा रहने देता हूँ, यहाँ हम निकाल लेते हैं, ये रिजल्ट ही रहने देते हैं, हालांकि एक चीज़ कोई सी भी हो सकती है। और यहाँ पे निकालते हैं हम डिवीज़न, ठीक है। तो उसके लिए इक्वल के साथ इफ़ और इफ़ के साथ में हम एक लॉजिक लगाते हैं एंड। तीन तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं, एंड और नॉट। तो यहाँ पर एंड लॉजिक हमने लगाया,
एंड का यूज़ जो यहाँ पे कर रहे हैं वो एक से अधिक कंडीशन को देने के लिए हम कर रहे हैं। जैसे सम और सम इफ़ हमने यूज़ किया था, सम इफ़ से यूज़ किया था, तो सम इफ़ और सम इफ्स में हम कई कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें कई लॉजिक्स इसमें लगाने हैं, इसलिए हमने एंड शब्द दिया है कि और उसके साथ में क्या क्या कंडीशनें हों। तो सबसे पहले अभी हम परसेंटेज पर लेकर के चल रहे हैं। हम यहाँ पर देते हैं i6 ग्रेटर देन इक्वल 75। हमारा कहना है कि यदि परसेंटेज 75 या इससे अधिक हो तो क्या करें, तो कोष्ठक बंद करेंगे, कॉमा, हम यहाँ पर उसको बता रहे हैं कि कंडीशन जो हो वो आए, ग्रेड जो आए वो बने a++। ए प्लस प्लस ग्रेड रहे, डबल कोट बंद करेंगे, फिर कॉमा, अगले कंडीशन हम लगाते हैं इफ़ के साथ में लॉजिक। उस लॉजिक में अब हम देते हैं यदि वैल्यू यानी i6 ग्रेटर देन इक्वल 60, 60 से बड़ा हो, लेकिन क्या हो i6 लेस देन 75, क्योंकि 75 से या उससे ऊपर में कंडीशन ए प्लस प्लस की लग रही है। तो यहाँ पर हमने दो कंडीशन असाइन किए, बड़ा भी हो, बराबर भी हो और छोटा भी हो, यानी ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन। कोष्ठक बंद करेंगे, ये थोड़ा लंबा फॉर्मूला है, आप इसको पास कर जो है कि पास कर दें, और इसको आप रिटर्न भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं अपने पास, इसके बाद आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए अब हम यहाँ पर हमारी कंडीशन देते हैं जिसे हमें ट्रू करना है, वैल्यू इफ ट्रू बता भी रहा है। तो हमें यहाँ पर ट्रू करना है कि जो ग्रेड आए वो ए ग्रेड आए, तो यहाँ पर हमने असाइन किया ए ग्रेड। अगले कंडीशन लगाते हैं हम, फिर कॉमा लगाएंगे, इफ लगाएंगे, कोष्टक असाइन करेंगे, लॉजिक देंगे एंड, फिर कोष्टक लगाएंगे। इसके बाद अगले कंडीशन हम असाइन करते हैं i6 ग्रेटर देन इक्वल 45 कॉमा, और क्या हो i6 लेस देन 60, 45 से बड़ा और 60 से छोटा। कोष्टक बंद करेंगे, अब हम असाइन करना चाहते हैं बी ग्रेड, तो डबल कोटेशन चिन्ह में देंगे हम बी ग्रेड, डबल कोटेशन चिन्ह बंद करेंगे, कॉमा असाइन करेंगे, इफ लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे, लॉजिक एंड, फिर कोष्टक, फिर देते हैं हम i6 ग्रेटर देन इक्वल 33 कॉमा, और क्या हो i6 लेस देन 45 कोष्ठक बंद करेंगे, कॉमा, डबल कोटेशन के अंतर्गत, अब हम सी ग्रेड या फिर बात कर रहे हैं पास की, तो क्या करें रिजल्ट पास आए, एल्स कॉमा लगाएंगे यानी एल्स हो गया, नहीं तो रिजल्ट फेल, इससे भी छोटा हो तो फिर क्या करें, तो फिर उसको फेल कर दें, यस करेंगे। ये देखिए ए ग्रेड इसको आया, यही कंडीशन जो हमने लगाया एक बार फॉर्मूला लगाने के बाद उसको सभी के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर अभी मार्क्स कम है, फेल आ रहा है, लेकिन मार्क्स इनको हायर जाते हैं, जैसे सभी सब्जेक्ट में किसी में 75 है, 82 है, 81 है, 75 है, 92 है, एग्रीगेट मार्क्स और परसेंटेज बना 81, रिजल्ट पास है और ग्रेड बना है a++। तो ऑटोमेटिक ही a++ निकल गया। इसी प्रकार इन्हें मार्क्स आते हैं 62, 70, 75, 62, 63, 79, 68 है, ग्रेड बना ए ग्रेड।
अगला हम यहाँ पर देते हैं 45, 55, 45, 56, 46, 49 बी ग्रेड। तो सभी का अपना अलग अलग ग्रेड यहाँ पे आ चुका है, फेल पास का तो है ही, लेकिन इसमें एक कमी है। यदि बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आते हैं 30 मार्क्स, देखिए इसको एक सब्जेक्ट में एटिकेट है या सप्ली है, लेकिन जो हमारा रिजल्ट है वो बता रहा है बी ग्रेड, लेकिन इसको बताना चाहिए फेल। इसके साथ में हमें लॉजिक को और बढ़ाना होगा। अब हमारी कंडीशन बढ़ जाती है, बड़े फॉर्मेट में आ जाता है, तो इसको किस प्रकार असाइन करें कि यदि पांच सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा हो और 1 में कम हो तो ये बताए सप्ली, और यदि 5 में से 2 में कम हो और 3 में पास हो तो बताए फेल, क्योंकि 2 के अंतर्गत वो फेल हो चुका है। अगले वीडियो के अंतर्गत हम इसे देखें कैसे सप्ली को भी प्रिंट कर दें और एग्रीगेट एक्यूरेट जो बताए वो किस प्रकार से बताए। साथियों इसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो उसे देखें, साथ ही साथ अभी तक हमने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, धन्यवाद।